Hi guys, welcome back to my channel. I am Divyanshi and I am here again with my new video. So guys, welcome back to our travel vlog series part 2. और ये है हमारा राजस्थान का व्लॉग और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और ये सारी जो पिक्चर्स हैं ये मॉर्निंग की हैं और कहाँ की हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा. बस आप व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिएगा एंड तक. सो ये देखें, फाइनली हम लोग अपने स्टेशन पे पहुँच गए हैं और ये सीन है सुबह के 5 बजे का और काफ़ी अंधेरा है आई नो, पर मॉर्निंग हो गया था. और इधर हम लोग ट्रेन से निकल के बैठे हुए हैं थोड़ा सा. और यस, आई एम वेरी 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 एक्साइटेड. सो इधर हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की ओर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैं पता नहीं कितनी बार बोलने वाली हूँ इस व्लॉग में, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और राजस्थान सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके. तो मैं आपको मिलूँगी अब सीधे होटल पर. सो गाइज, वी फाइनली रीच्ड एट आर होटल और बहुत ज़्यादा सुंदर है सच में. और आप सोच रहे होंगे कि हम लोग होटल के बाहर क्या कर रहे हैं. सो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा कुछ और होटल्स देखने गए थे, तो इसीलिए हम लोग ने सोचा कि कुछ फ़ोटोज़ ही क्लिक कर लेते हैं. तो बस वही कर रहे हैं. और हमारे होटल से जो माउंटेन्स हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे थे. अभी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत अच्छे लग रहे हैं सच में. और हमारा जो रूम था वहाँ से और अच्छे से दिख रहा था, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है. एंड येस, आई एम एन्जॉइंग अ लॉट. सो गाइस, इधर हम लोग जा रहे हैं होटल के अंदर, मतलब कि अपने रूम में. और ये आप लोग होटल को बहुत बार देखने वाले हो, मतलब कि अंदर बाहर करते हुए आप लोग बहुत बार देखने वाले हो. सो बी रेडी. सो होटल के अंदर कैंटीन भी था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और सामने जैसे कि आप देख सकते हो, ये है श्री राम जी का मंदिर और यहाँ सुबह सुबह पूजा भी होती है, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है. सो यस, इधर हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे एंड देन हम लोग अपने रूम में जाएंगे. सो गाइस, दिस इज आवर रूम. और इधर है हमारा विंडो, ये है हमारा डोर, इधर डोर है, इधर विंडो है. और इधर हमारा सोफा है, इधर टेबल है, फिर उसके बाद इधर है हमारा बेड, ये देखिए. एंड इधर हमारा फैन. और इधर है हमारा टेलीविजन. हाय.
सो ये हमारी बालकनी और बालकनी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। और ये देखिए और इधर है हमारा वॉशरूम और इधर से इतना अच्छा लुक आ रहा है ना कि मैं क्या बताऊं। इधर से आप देखो इतना अच्छा लग रहा है, आप क्या बताऊं मैं, इतना अच्छा लुक आ रहा है इधर से। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगी थोड़ी देर बाद। गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खाए और थोड़ा सा टीवी देख रहे थे जैसे कि आपने देखा। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेश होने के लिए, मतलब कि अभी हम लोग शावर लेंगे क्योंकि फिर उसके बाद हम लोग को जाना है दर्शन करने बालाजी का, बालाजी के मंदिर जाना है दर्शन करने के लिए। और भी जगह जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए, वो तो आप धीरे धीरे वीडियो को देखोगे तो पता ही चल जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो अभी मैं अपनी ड्रेस निकाल रही हूँ मैं जो आज पहनूंगी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो गाइज ये है मेरी आज की आउटफिट। तो मैं पहनूंगी एक नियॉन टॉप और ये टॉप मैं बहुत टाइम बाद पहनने वाली हूँ। और साथ में है ये डेनिम की जीन्स और इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं सच में। इसमें पीछे दो पॉकेट्स, ऊपर की तरफ दो पॉकेट्स और मिडिल में दो पॉकेट्स हैं, मतलब कि इसमें सिक्स पॉकेट्स हैं, ओह माय गॉड। तो साथ में मैं पहनूंगी इयररिंग्स ये वाले, बट बाद में मैं सोची थी कि रहन देते, इयररिंग्स नहीं पहनते हैं, तो इसीलिए फिर बाद में आप देख सकते हो मैंने इयररिंग्स नहीं पहने हुए हैं। सो यस इधर हम लोग जा रहे हैं बालाजी मंदिर। सो गाइस हम लोगों ने बालाजी के दर्शन कर लिए हैं और ये है राम मंदिर, जस्ट उसके सामने है ये राम जी का मंदिर और बाहर से आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और बालाजी मंदिर में वीडियो बनाना नहीं अलाउड था या कोई भी फ़ोटो क्लिक करना नहीं अलाउड था, इसीलिए मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो ये है राम जी का मंदिर अंदर से और इतना ज़्यादा सुंदर है, इतना अच्छे से डेकोरेटेड है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस अभी हम लोग ने दर्शन कर लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम्स में क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा भीड़ था, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए। तो इसीलिए हम लोग रूम में जाएंगे और रेस्ट करेंगे। सो यस गाइस मैं आज का व्लॉग, मतलब कि अभी मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए और आप बोर होने लगो। ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया है पर इट्स ओके। सो इसीलिए मैं अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ और अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। और अगर आपको मेरे ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, आपको और ट्रैवल व्लॉग्स चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर ये ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, जो नए नए फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनको थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। और ऐसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और हाँ मेरा जो सेलो कलर अप सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा नाम है, सेलो कलर अप सेलिब्रेशन आर्ट किट था, उसका जो अनबॉक्सिंग वाला वीडियो था, एक्चुअली में वो शॉर्ट्स था, उस पर मेरे 2K प्लस व्यूज़ क्रॉस हो गए। आई एम सो हैप्पी, इतने सारे व्यूज़ फर्स्ट टाइम मेरे किसी वीडियो पे आए हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो थैंक यू सो मच। एंड यस मैं
अभी इस व्लॉग को एंड करती हूँ। और मुझे व्लॉग्स लाने में थोड़ा सा लेट हो जा रहा है क्योंकि मेरे स्कूल्स भी चल रहे हैं, तो मुझे उधर भी देखना है और वीडियोस भी जल्दी जल्दी डालने हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। पर मैं अपना 100% दे रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वीडियोस लाऊं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। सो यस गाइस, नाउ आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग। टिल देन बाय।